Hello students, today I am going to explain you EVS chapter number 20 PDF, your classwork note. You have to write it neatly in your classwork note, okay? Now look to the explanation. Our chapter is food and fun. First, MCQs. What kind of food children get in a boarding school? Boarding school matlab hostel, okay? वहाँ पे कौन सा खाना मिलता है, कहाँ से मिलता है उनको खाना? फ्रॉम होम कुकड स्नैक्स एंड चॉकलेट्स मिलती है या फिर फूड फ्रॉम हॉस्टल किचन? तो हॉस्टल होता है तो वहाँ पे हॉस्टल का किचन भी होता है, इसलिए बच्चों को वहाँ पे हॉस्टल का ही खाना था. सो आंसर इज फूड फ्रॉम हॉस्टल किचन. वेयर डू चिल्ड्रन सिट एंड ईट टुगेदर? कहाँ पे बैठ के खाते हैं? सबको डाइनिंग हॉल होता है पूरा बड़ा वहाँ पे. ओके, सो द आंसर इज डाइनिंग हॉल, नॉट इन क्लासरूम एंड गार्डन. ओके, थर्ड, व्हेन इज लंगर प्रिपेयर्ड इन गुरुद्वारा? लंगर मतलब जो फ्री मील सर्व किया जाता है ना खाना गुरुद्वारा में, वो कब बनाया जाता है? मतलब इट इज़ प्रिपेयर्ड वंस इन अ वीक, वंस अ मंथ और एवरी डे. तो हर रोज़ वहाँ पे बनती है लंगर के लिए खाना और वो फ्री में ही होता है और एनी वन कैन गो एंड कुक द फूड. ओके, कोई भी, हम जैसे पब्लिक भी जाके, कॉमन पीपल भी जाके वहाँ पे खाना पका सकता है और हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड एवरी डे डेली. हु कुक्स फूड इन अ बोर्डिंग स्कूल? कौन स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में कौन खाना बनाता है? तो मतलब वहाँ पे कुक्स होते ही है, मतलब जो किचन में रसोई करने वाले, नॉट टीचर्स एंड चिल्ड्रन. ओके, होम द चिल्ड्रन मिस इन द बोर्डिंग स्कूल? किसको मिस करते हैं बच्चे हॉस्टल में, मतलब पेरेंट्स को या होममेड फूड या बोथ ऑफ दिस? सो पेरेंट्स को भी मिस करते हैं और घर का खाना भी मिस करते हैं. सो इट इज़ बोथ ऑफ दिस भी लिख सकते हो सी वाला ऑप्शन, या फिर पेरेंट्स एंड होममेड फूड, दोनों मैंने लिखा है. ओके, नाउ फ्री लंच सर्व्ड एट गुरुद्वारा इज नोन एज, फ्री जो खाना गुरुद्वारा में सर्व किया जाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड लंगर. ओके, देन व्हाट प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर अरदास? अरदास मतलब प्रेयर. ओके, जो प्रार्थना करते हैं ना गुरुद्वारा में उसको अरदास बोलते हैं. तो वो व्हाट प्रसाद, कौन सा प्रसाद दिया जाता है प्रेयर फिनिश होने के बाद? दैट इज काढ़ा प्रसाद. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिलअप्स. पी चिल्ड्रन स्टेइंग इन द हॉस्टल मिस देयर, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो किसको मिस करते हैं? अपने पेरेंट्स को एंड ऑल्सो द फूड फ्रॉम होम, होम फूड दोनों, बट यहाँ कुछ भी लिख सकते हो. वाइल एंटरिंग गुरुद्वारा पीपल हैव टू कवर देयर, मतलब गुरुद्वारा में जब भी कोई भी इंसान कवर, मतलब लेडीज़ होते हैं तो वो अपना पल्लू डालते हैं दुपट्टा, और जेंट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, कर्चिफ होती है उससे उनको कवर करना पड़ता है अपना हेड को. ओके, सो दे हैव टू कवर देयर हेड्स, लेडीज़ हो या जेंट्स हो. डैश इज़ अ काइंड ऑफ हलवा, हलवा मतलब शीरा जो हम बोलते हैं गुजराती में उसको हलवा बोलते हैं. सो इट काढ़ा इज़ अ काइंड ऑफ हलवा जो गुरुद्वारा में मिलता है. नाउ इन गुरुद्वारा पीपल सिट इन डैश इन वरांडा टू हैव लंगर, किस में बैठते हैं? दूरीस में. दूरीस मतलब क्या होता है, लाइन में जो हम बैठते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड दूरीस, और लंगर मतलब खाने के लिए बैठते हैं वो. कुकिंग एंड ईटिंग टूगेदर इन गुरुद्वारा इज़ कॉल्ड, हम साथ में मिलके खाना खाते हैं और कुक करते हैं उसको क्या बोलते हैं गुरुद्वारा, दैट इज कॉल्ड लंगर. नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन, डिफाइन बोर्डिंग स्कूल. व्हाट इज बोर्डिंग स्कूल? अ बोर्डिंग स्कूल इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स लिव एंड स्टडी ड्यूरिंग स्कूल टर्म, मतलब जहाँ पे बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं जबकि स्कूल का सेक्शन होता है तब, मतलब वैकेशन होता है, हॉलीडेज होता है तो वो अपने घर चले जाते हैं, बट जब स्कूल शुरू होती है स्कूल का टर्म्स होता है तो उस टाइम पे वो लोग हॉस्टल में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोर्डिंग स्कूल. नाउ कमिंग टू द नेम द फॉलोइंग प्लेसेस, ये आपको मैंने नेम लिखा है, नेम द फॉलोइंग इसलिए लिखा है ताकि आपको सबको पता चले कहाँ पे कौन कौन से, हमारी इंडिया कैसी कंट्री है, इट इज़ मतलब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जैन्स, ओके, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिव अस. यहाँ पे देखो हमारे पारापुर में आपको पता सिंधीज रहते हैं, कोई पारसी भी होते हैं. सो सबकी मतलब सब अपनी अपनी तरीके से उनके भगवान का मंदिर जो होता है, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो मुस्लिम्स लोग कहाँ जाते हैं मॉस्क में, सिख लोग कहाँ जाते हैं गुरुद्वारा, क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं चर्च, जैन लोग कहाँ जाते हैं देरासर, पारसी लोग कहाँ जाते हैं अग्यारी में. तो सबके वर्शिप, वर्शिप मतलब क्या है, प्रार्थना करने पूजा करने का प्लेस का नाम क्या है. ओके, वर्शिप मतलब पूजा करने का प्लेस, अ प्लेस वेयर हिंदूज वर्शिप, मतलब जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं या भगवान को, भगवान के मतलब वहाँ पूजा करने जाते हैं, दैट इज वर्शिप, मतलब क्या होता है पूजा प्रार्थना जो बोलो, तो टेम्पल. अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स वर्शिप
कौन कहाँ पे मुस्लिम्स वर्शिप करते हैं अपने भगवान को, दैट इज मॉस्क, अ प्लेस वेयर सिख्स वर्शिप, सिख लोग कहाँ जाते हैं प्रार्थना करने, दैट इज गुरुद्वारा, अ प्लेस वेयर क्रिश्चियंस वर्शिप, क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं दैट इज चर्च, अ प्लेस वेयर जैन्स वर्शिप, जैन लोग कहाँ जाते हैं दैट इज देरासर, सो ये सब प्लेसेस है, ओके, सो यू कैन नो अलग अलग जाति के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं वर्शिप करने के लिए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट है, वॉट इज लंगर, ईटिंग एंड कुकिंग टुगेदर, खाना और कुक करना इन अ गुरुद्वारा, सब लोग साथ में मिलकर, दैट इज कॉल्ड लंगर. हु प्रिपेयर्स फूड इन गुरुद्वारा, कौन खाना बनाता है गुरुद्वारा में, एनी वन, कोई भी जाके, कॉमन पीपल भी जाके वहाँ पे प्रिपेयर कर सकता है, ओके. वो यहाँ पे कोई स्पेशल फूड कुक नहीं होता है, मतलब रसोईया कोई नहीं होता है, कोई भी जाके वहाँ पे खाना बना सकता है और हेल्प भी कर सकता है. नाउ व्हाट इज काढ़ा प्रसाद, व्हेन इज इट सर्व टू पीपल, काढ़ा प्रसाद क्या है, काढ़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा, आफ्टर अरदास, अरदास मतलब प्रेयर के बाद, इट इज सर्व टू पीपल, प्रेयर के बाद उन प्रसाद को दिया जाता है. नाउ आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स अबाउट बोर्डिंग स्कूल दैट चिल्ड्रन लाइक, बोर्डिंग स्कूल के बारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चे को अच्छी लगती है, देख तो आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, देखो द गुड पॉइंट्स दैट चिल्ड्रन लाइक अबाउट बोर्डिंग स्कूल्स आर, देखो फर्स्ट दे लर्न टू शेयर, मतलब एक दूसरे से सभी चीज़ें बांट के, मतलब वो सीखते, क्योंकि वहाँ पे कोई ना तो मम्मी होती पापा होते, तो एक दूसरे के हेल्प करने वाला कौन होता है, उसके बाद जो वाला बेड पार्टनर या रूम पार्टनर वही होते, तो एक दूसरे के साथ बच्चा शेयर करना सीखता है. दे एन्जॉय ईटिंग फूड विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के, क्योंकि ये तो हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे पापा मम्मी नहीं होते हैं, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो वो लोग हर रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं, ओके. जो भी हॉस्टल्स में जितने जो जो बच्चे रहे उनके अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ बैठ के बच्चे खाते हैं. देन बी कोऑपरेटिव, मतलब कोई झगड़ा नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है, तो कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, मिलजुल के रहना. सो ये तीन चीज़ तो मेन सीखते ही, और भी बहुत सारी चीज़ें बट ये कॉमन चीज़ें, दे लर्न टू शेयर, दे एन्जॉय ईटिंग फूड विद फ्रेंड्स एंड बी कोऑपरेटिव विद अदर्स, तो ये हुआ. नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस अप बिटवीन बोर्डिंग स्कूल एंड अदर स्कूल, मतलब बोर्डिंग स्कूल और दूसरी स्कूल में के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है. सो फर्स्ट बोर्डिंग स्कूल मैंने लिखी है, देन इट इज़ अदर स्कूल, अदर स्कूल मतलब जो आप हर रोज़ आते हैं ना हमारे स्कूल में, दैट इज़ कॉल्ड अदर स्कूल. बोर्डिंग मतलब हॉस्टल, अदर स्कूल मतलब हॉस्टल नहीं, जैसे आप ही हर रोज़ आते हो फिर घर चले जाते, दैट इज़ कॉल्ड अदर स्कूल. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल के बारे में, दे स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स, मतलब हॉस्टल वाले जो रहते हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अवे मतलब दूर. तो अदर स्कूल में क्या होता है, चिल्ड्रन स्टेज विद देयर पेरेंट्स, अदर स्कूल मतलब क्या होता है, आप लोग अपने पापा मम्मी के पास रहते हो ना, मतलब स्कूल के टाइम पे आप स्कूल में रहते हो, फिर स्कूल जब छूट जाती है यू गो टू योर होम, बट हॉस्टल वाले बच्चे घर नहीं जाते, दे हैव टू लिव दैट. सेकेंड पॉइंट क्या, द स्कूल एंड द होम आर एट द सेम प्लेस, मतलब स्कूल और घर हॉस्टल वाले बच्चों का एक ही जगह पे होता है, मतलब बिल्डिंग अलग होती है, मतलब आगे वाली बिल्डिंग में स्कूल होते हैं, पीछे वाले में हॉस्टल होता है, बट कंपाउंड एक ही होता है. बट अदर स्कूल में क्या, दे गो होम आफ्टर द स्कूल, जैसे आप लोग भी स्कूल फिनिश हो जाए आप घर जाते हो ना, द सेम वे दैट इज द चिल्ड्रन गो होम, बट हॉस्टल में रहने वाले बच्चे क्या होते हैं, उनका कोई घर नहीं, मतलब सिर्फ द स्कूल एंड द होम इज़ एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे उनका घर और हॉस्टल होता है. नाउ थर्ड टाइम क्या है, थर्ड पॉइंट, दे लर्न टू लिव इन डिसिप्लिन, और हॉस्टल में हम रहते हैं तो वहाँ पे वार्ड होती है, ओके, तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं फॉलो करने के, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठ ही जाना है, इतनी बड़े पढ़ाई करनी है, फिर इस दिन को आपको कपड़े धोने हैं, ये सब करना होता है, ओके, और कभी सफाई करनी होती है, तो वहाँ पे वो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है. बट जो बच्चे घर रहते हैं, ओके, अदर स्कूल में पढ़ते हैं आपकी तरह, सुबह आके वापस स्कूल और उसके बाद घर जाते, तो उनको तो वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, दे लिव फ्रीली, उनके पीछे कोई डिसिप्लिन जैसा रूल्स बनता ही नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो ये हुआ हमारा आपकी कोई एक्सरसाइज ऑफ 20 लेसन, सो राइट इट नीटली इन योर क्लासरूम, ओके.